नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन से दिल्ली में है। आज सोमवार है। आज भी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की, अमित शाह के साथ उन्होंने नेताओं से मुलाकात की। फिलहाल जो आपके मन में सवाल आ रहा है वो यही होगा कि अब योगी कैबिनेट में कौन से नए चेहरे होंगे, कौन से पुराने चेहरे होंगे, यानी कि कुल मिला के योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट का स्वरूप क्या होगा। फिलहाल सबसे ज्यादा जो चर्चा है उप मुख्यमंत्री के फार्मूले पर हो रही है। पहली बार इस तरह दो डिप्टी सीएम होंगे, या फिर इनकी संख्या बढ़ाकर 3 भी हो सकती है, या फिर 1 भी हो सकता है। इसके पीछे वजह है, पार्टी में इस बार भी डिप्टी सीएम के दावेदारों की संख्या है जो है वो ज्यादा है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि दिनेश शर्मा के चुनाव लड़ने और केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव हारने के बाद डिप्टी सीएम के दोनों पद पर नए चेहरे आ सकते हैं। एक चेहरा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का है तो दूसरा बेबी रानी मौर्य का हो सकता है। जातीय संतुलन के लिए दिनेश शर्मा की जगह किसी दूसरे ब्राह्मण चेहरे को भी मौका दिया जा सकता है, ऐसी भी बात सामने आ रही है। और योगी कैबिनेट में करीब 15 पुराने मंत्रियों को जगह मिलना तय है, ऐसा भी सुना जा रहा है। इसमें सबसे अहम जो नाम है वो है केशव प्रसाद मौर्य का। उन्हें चुनाव हारने के बाद भी मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है। इसके अलावा सुरेश खन्ना, श्रीकांत शर्मा, ब्रजेश पाठक, सतीश महाना, सिद्धार्थ नाथ सिंह, सूर्य प्रताप शाही, आशुतोष टंडन, नंद कुमार नंदी, कपिल देव, अग्रवाल, जतिन प्रसाद, रविंद्र जायसवाल, लक्ष्मी नारायण चौधरी, भूपेंद्र चौधरी, जय प्रताप सिंह और अनिल राजभर के नाम भी मंत्री पद के दावेदारों में शामिल है। इसके अलावा 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसको सामने रखते हुए इस बार मंत्रिमंडल में जातीय के साथ साथ क्षेत्रीय संतुलन भी साधा जाएगा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ रहे 11 मंत्रियों के चुनाव हारने के कारण काफी संख्या में नए चेहरों को मौका मिल सकता है। नई सरकार में शामिल होने वाले संभावित नामों में हरदोई के नितिन अग्रवाल, कायमगंज से विधायक डॉक्टर सुधीर, प्रयागराज के 12 सीट से विधायक वाचस्पति, इटावा से सरिता भदौरिया और मैनपुरी से जयवीर सिंह, मऊ से रामविलास चौहान, देवबंद से जीत दर्ज करने वाले कुंवर ब्रजेश सिंह शामिल है। रुदौली अयोध्या से रामचंद्र यादव तो कांग्रेस अध्यक्ष अजय लल्लू को हराने वाले फाजिलनगर से विधायक असीम राय, स्वामी प्रसाद मौर्य को शिकस्त देने वाले संत कुशवाहा और चिल्लू पार में विनय शंकर को मात देने वाले राजेश त्रिपाठी को मौका मिल सकता है। इसके साथ ही पुलिस की नौकरी छोड़ करके विधायक बने असीम, अरुण और राजेश्वर सिंह में से किसी एक का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। और रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले गाजियाबाद के साहिबाबाद से विधायक सुनील शर्मा, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जयशंकर सिंह के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह के नाम की भी चर्चा है। बलिया के बासडीह में पहली बार भाजपा का खाता खुला और 8 बार के विधायक रहे राम गोविंद चौधरी को मात देने वाली केतकी सिंह को मौका मिल सकता है नए कैबिनेट में। इसके साथ ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुई बरेली सदर, रायबरेली सदर विधायक अदिति सिंह, सपा छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाली मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अर्पणा यादव को भी मंत्री बनाया जा सकता है। इधर हाथरस से पहली बार विधायक बनी अंजुला सिंह, माहौर की लॉटरी लग सकती है, यही कहेंगे कि लॉटरी लग रही है उनकी। फरखाबाद से डॉक्टर सुरभि के साथ आगरा ग्रामीण की बेबी रानी मौर्या को तो डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा है। वहीं अर्पणा को एमएलसी बना करके मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। सहयोगी दल से 4 नामों की चर्चा है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे शरण कुमार निषाद गोरखपुर की चौरी चौरा सीट से एमएलए बने हैं। वैसे तो संजय निषाद भी एमएलसी हैं, लेकिन
इस बात की संभावना जताई जा रही है कि संजय निषाद अपने बेटे को मंत्री बनवाएंगे। इसके साथ ही अपना दल से एमएलसी आशीष पटेल के अलावा एक और मंत्री अपना दल के कोटे से बनाए जा सकते हैं। कहा जा रहा है कि भाजपा इस बार अपने सहयोगी दलों के कोटे से 4 मंत्री रख सकती है। तो दोस्तों, ये थी एक नया जो कैबिनेट बनने वाला है उसकी कह सकते हैं कि एक तस्वीर। बहुत कुछ इसमें चेंज भी हो सकता है, बहुत कुछ ऐसा ही हो सकता है। आपको ये कंटेंट कैसा लगा मुझे आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हमेशा की तरह अपनी राय देते रहिए। फिलहाल इतना ही, फिर मिलती हूँ आपके साथ किसी और खबर, किसी और कहानी के साथ। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।